हाँ इसका तो वो ही नहीं पकड़ने वाला, पकड़ चुका इसका हाथ नहीं है पकड़ने के लिए। अब मैं हाथ कहाँ से लेकर आऊँ। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमबीरा। सॉरी आप सब ठीक होंगे। सो आज का व्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करने लगी हूँ उस हैपन के साथ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हाथ से ज़िंदगी में हो जाते हैं। तो अब यही है कि नेक्स्ट टाइम से खुदा बस अपनी हिफाजत में रखे। तो ये है कि थोड़ा बैग पे चले जाएंगे, क्या है कि अब ऐसा ऐसा चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अब फ़ोन नहीं है तो रोमी और मैं एक ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। एक दिन मतलब दिन में वो भी व्लॉग बना लेता है और रात में मुझे फ़ोन देते, इस तरह से है। तो मतलब अभी इस महीने जो सैलरी आएगी तो फिर ये फ़ोन वगैरह ले गए। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा है जिसका मतलब टेलीनॉर फ्रेंचाइज में या मतलब मेरी सिम वगैरह निकलवाने में हेल्प कर सके, क्योंकि मेरी सिम जो है वो मेरे कज़न के नाम पे है, वो दुबई में होते हैं, तो मुझे वो सिम अपने नाम पे करवानी है, क्योंकि उस सिम के साथ मेरा इंस्टाग्राम अटैच है। तो मुझे काफ़ी सारे लोग देखने वाले हैं, तो आई थिंक किसी न किसी की कहीं ना कहीं अप्रोच होती है कि वो जल्दी से काम करवा दे। कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे नाम पे सिम ट्रांसफ़र हो जाए, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए इस चीज़ में। ठीक है, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रोमी के इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो आप, क्योंकि मेरा लिंक जो मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मेरे सिम के साथ ही ऑन होता है, मुझे उसका आईडी पासवर्ड नहीं याद, मेरे सिम के साथ अटैच है वो। ठीक है, तो अभी ये है कि कल से जो है ना घर का पेंट भी स्टार्ट है। ठीक है, सारा आज रूम वगैरह साफ करवा लिए, जो मलबा वलबा था सब उठा लिया है, सारा सामान एक्स्ट्रा निकाल दिया है। ठीक है, अब कल जो है ना, कल आ रहे हैं पेंट वाले, वो डे नाइट लगा कर सारा जो है ना मतलब पेंट कर देंगे पूरे घर का। और कल ही जो है ना दरवाजे वाला भी आएगा, मतलब जो कारपेंटर वो आएगा। ये दरवाज़ा जो है ये वाले वॉशरूम में लगवाना है। ठीक है, उसके बाद ये वाली कैबिनेट है, इसका दरवाज़ा लगेगा, ये सेट होगी। ठीक है, और फिर बाकी वायरिंग का काम रह जाएगा, वो फिर हम नेक्स्ट डे करवाएंगे। इसलिए रोमी के भाई आएंगे, क्योंकि वो मतलब उनको सारा वायरिंग का काम आता है, वो सभी सारा वायरिंग का काम, बस 2 से 3 दिन लगेंगे, तो सारा काम जो है ना हमारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये है कि शादी बहुत करीब है, तो अब शादी की भी तैयारी करनी है। दुख सुख तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, तो ये है कि बस आप लोगों ने दुआ करनी है और ऐसे ही सपोर्ट करना है, ऐसे ही प्यार करना है बहुत बहुत सारा। ठीक है, बहुत मतलब मुश्किल से मैं बनाने लगी हूँ। कल भी मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग बनाना, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मुझसे बन नहीं रहा था यार। तो यही बात है, तो अब ये है कि अभी मैं जा रही हूँ ज़रा बाहर, क्योंकि मुझे जो है ना अभी कुछ एक दो चीज़ लेनी है घर की। मेरा शैम्पू वगैरह ख़त्म हो गया, वो मुझे लेना है। ठीक है, तो मेरे साथ ही बने रहना है आप लोगों ने। और मुझे दूसरी बात ही, मुझे लाजमी बताना कि ना मैं पेंट कौन से कलर का करवाऊँ। और मैंने बेड मैंने सोचा मैं इस तरफ का रखूँ। ठीक है, और अभी मैं ज़्यादा खर्चा इसलिए नहीं करी, आपको पता है इतना लॉस हो गया, वरना मैंने गेट वगैरह निकलवा के एक गेट रखना था। अब इस तरफ मैंने सोचा अपनी कबर्ड रख लूँ। ठीक है, जो मेरी कबर्ड होगी वो मैं इस तरफ रख लूँगी। ठीक है, और डिवाइडर मैंने सोचा इस साइड पर रख लूँगी, मतलब जो शोकेस होता है उसमें बर्तन वर्तन रखते हैं, मैंने सोचा इस साइड पर रख लूँ। ठीक है, बाकी आप लोग बताना मुझे। और इस साइड पे मैंने सोचा है कि यहाँ इस साइड पे वो रख लूँगी ड्रेसिंग टेबल। ठीक है, मुझे तो इस सेटिंग बताना और पेंट भी मुझे बताना। और मैं सोच रही हूँ ऑफ वाइट करवाऊँ, बाकी इस साइड पर मैंने वॉल लगवाने का सोचा है, बेड रखने का सोचा है। तो मुझे पता है जैसे ही पेंट वेंट का काम खत्म हो जाएगा फिर मैं कारपेट वारपेट ला के वो बिछाऊंगी, थोड़े से पर्दे लेकर आने घर के वो लगाऊंगी, उसके बाद फिर फर्नीचर लेके कमरा कर दूंगी बंद। और इसका बहुत अच्छा डेकोरेशन करनी है मुझे, कि आप लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, वो उसमें डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी, लैम्प वगैरह। ठीक है, और थर्ड थिंग इज़ ये कि बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे साथ ही बने रहना आप लोग, और मुझे बताना मैं कौन कौन से पेंट का कलर करूँगा, मुझे लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने। ठीक है, तो अभी मैं आई हूँ वाले के साथ बाहर, तो हम लोगों ने खाया है रोल और घर पे गई हुई थी लाइट। ठीक है, तो अभी लाइट आज टाइम आ गई होगी शायद, है ना, 10:30 हो रहे हैं, मेरी लाइट बहुत तंग करती है, तो आती जाती रहती है, एक जगह रुकती नहीं है, लाइट इतना तंग करती है। तो अब ये है कि अभी बस यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे सनी मेडिको है वहाँ जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरा शैम्पू खत्म हो गया, मुझे शैम्पू लेना है और साबुन लेना है। लड़कियों की चीज़ें कुछ ना कुछ खत्म होती रहती हैं, तो बड़ा स्यापा रहता है इस चीज़ का, ऐसी ना लेजर। तो ऐसे को मैंने बहुत तंग किया है, तो बस मेरे घर का काम थोड़ा सा रह गया, 3-4 दिन में वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे अपने घर से ले जाएगा, लेकिन ऐसे पहली को आ जाना प्लीज़ यार, फिर और भी छोटे छोटे काम होते हैं, मेरी मैक्सी लेकर आना, ये वो सब तो नहीं जाना, फर्नीचर इसी महीने ले आना, क्योंकि वो ला कर मैं कमरा कमरा सेट करके उसको कर दूँगी बंद, हम लोग बाहर सोया करेंगे सहन में। और मैं अपने बन जाएगा जब फर्नीचर आ जाएगा, मैं अच्छे से रूम सेट करूँगी, तो उसका रूम टूर जो है ना वो मैं रोमी के चैनल पे आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो देखे रूम आकर, उसके लिए कुछ सरप्राइज़ होगा, बहुत सारी हमारी यादें हैं उसमें कैप्चर करूँगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वैसा अच्छा सा बनाऊँगी, तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा।
तो बस अब काम खत्म ही हो गया है, थोड़ा कार्डबो रह गया, कलर का और कार्डबोर्ड रखा ना। हाँ, वो सलमान भाई मैंने बोला वो कल भेजेंगे लड़कों को, क्या जानने वाले हैं तो वो बोलते हैं तबियत तो ठीक नहीं है, उनका एक्सीडेंट हुआ तो कहते वरना मैं खुद आकर कर दूँ। उन्होंने ही शुरू से मतलब कल घर का काम कलर वगैरह उन्होंने ही किया है। तो चले फिर, मैंने शैम्पू भी लेना है, तो आप लोग मेरे साथ ही बने रहिएगा। अभी तक घर पे ना मुसीबत लाइट है ना, मेरी लाइट ने बहुत तंग किया हुआ, तो अभी हम लोग बैठे हैं चाय पीने के, मैंने 3 दिन से चाय नहीं पी और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उस हैपन के बाद आज निकली हूँ बाहर, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मम्मी ज़िंदगी में ना मतलब थोड़ा अप डाउन आता है, ऊंच नीच आती है, तो हर चीज़ को हमें जो ना फेस करना चाहिए अपनी लाइफ में, तो इसलिए थोड़ा फेस कर रही हूँ, बाहर निकली हूँ। और बस ये है कि टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बहुत सारी दुआओं में याद रखना, बहुत सारी दुआओं में याद रखना, और ज़िंदगी में हर किसी के लिए अच्छा सोचो और अच्छा करो, और कभी किसी से हसरत ना करो, भला आपके पास कम है ज़्यादा है। तो इवन मैंने कभी ये भी नहीं सोचा मैं आईफोन भी रखूँगी अपने पास, कभी भी नहीं सोचा था मैंने इतना महंगा मोबाइल मेरे पास होगा, क्योंकि मेरे पास शुरू से ना वो होता था सैमसंग होता था, मैं सैमसंग यूज़र हूँ, लेकिन ज़िंदगी में जब आया बेबी रोमी आया तो फिर क्या हुआ कि उसको आईफोन पसंद था, तो फिर मैं भी उसका फ़ोन यूज़ करती थी, तो वो देखकर फिर वो ना 3 आंखों वाला आईफोन निकला था, तो मैंने वो लिया और बहुत मेहनत से लिया, अपनी यूट्यूब की सैलरी जमा करके लिया, नॉन पीटीए लिया था, उसको पीटीए प्रूफ करवाया था, उसमें मैंने बहुत पैसा लगाया था, और यूँ चले गए पता नहीं चला चुट गया लेकिन कोई बात नहीं, खैर खुदा उनको भाई इससे ज़्यादा दे जिन्होंने हमसे ले के लिया है, लेकिन छीनी हुई चीज़ ज़्यादा रहती नहीं है पास, ये होता है। तो कोशिश करो अपनी मेहनत से जो है ना, जो है ना वो चीज़ जो है ना उसको आप कैप्चर करो, अपने पास रखो, हासिल करो, हम तो मेहनत से करते हैं, भले हमें देर से मिले, तो मच्छर मुझे काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। और बस अभी चाय ऑर्डर की है, यहाँ से चाय पी के फिर हम लोग जाएंगे घर पे, और कल का व्लॉग बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, मुझे लाजमी बताना है कि मैं कर्टन्स कौन से कलर के लेकर आऊँ और पेंट कौन सा करवाऊँ रूम में, ठीक है, कर्टन्स का लाजमी मुझे बताना। मैंने तो क्या सोचा मैरून कर्टन्स लेकर आऊँ ना, क्योंकि मेरा फर्नीचर जो है ना वो मैरून और गोल्डन के कंट्रास्ट में है, तो मैंने सोचा मैरून जो है ना वो कर्टन्स अच्छे लगेंगे, बाकी आप सब बताना कमेंट बॉक्स में। हमारी चाय भी आ गई है और ये चाय वाले भाई से भी मिले, और इनकी सारी फैमिली हमारे व्लॉग्स देखती है। आ जाओ भाई, अस्सलाम वालेकुम, मास्क अनबॉक्स कर लो फेस आ जाएगा सामने ना, घर में भी सब देख लेंगे। मास्क अनबॉक्स नहीं कर रहा, लेकिन एक और बात कर शेयर, मैंने इंस्टा की आईडी बतानी है। भाई मेरी इंस्टा की आईडी है राजा साहब 9261, प्लीज़ यार फॉलो कर देना। और दूसरी बात, माशाल्लाह इनके व्लॉग्स में देखता हूँ, मेरी पूरी फैमिली देखती है, इनका एक व्लॉग मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो उसके बाद हमने इनके व्लॉग रूटीन में देखना स्टार्ट कर दिए, माशाल्लाह इनके व्लॉग बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी जाएं विजिट करें इनके व्लॉग को, और फॉलो और सॉरी सब्सक्राइब और लाइक शेयर लाजमी करना, और सब्सक्राइब करें बगैर वापस नहीं आना, थैंक यू। और आए हमारी जानू चाय पे है माशाल्लाह, इधर चाय गोल मस्जिद के अपोजिट पे, या आगे ट्राई करें, मेरी तरफ से जो आएगा इनकी और नाम देगा ना कि मैं इनके चैनल से आया हूँ, उनका सब्सक्राइबर हूँ मैं, उनको फ्री चाय पिलाऊंगा आप। ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया यार, तो फिर जल्दी से आओ आप लोग और चाय पिए यहाँ पे आके, और फ्री चाय मिलेगी आप लोग जो हमारे चैनल के रेफरेंस से आएंगे, तो भाई को बहुत सारा थैंक यू भी बोलो आप लोग। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, थैंक यू। तो देखा सब कितना प्यार करते हैं हम लोगों को और आप लोगों को, तो ऐसे ही बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारा प्यार देना है, ठीक है। तो आगे आप लोग के लिए बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, और परसों जो है ना, परसों नहीं बल्कि मैंने नहीं बताना, मैं एक सरप्राइज रखूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मम्मा ने पता कुछ चीज़ें सरप्राइज रहना दिया करो, दिखा कर फिर उसके बाद सरप्राइज बताया करो, तो ऐसे ही करूँगी मैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ चाय के साथ, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चाय किस किस पसंद है बताना, और बेबी मुझे आपने चाय पर लगा दी है, हाँ इसका तो हवा ही नहीं पकड़ने वाला, पकड़ चुका है, पकड़ा नहीं देख जाए मेरे उत्ते, अभी सीन हो जाए मैं ढूंढ रही हूँ क्या, अच्छा इसका हाथ नहीं है पकड़ने के लिए, अब मैं हाथ कहाँ से लेकर आऊँ। सो खैर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और तब तक के लिए बाय।